अब बात आई है डिस्क प्लेट की, कि इस डिस्क प्लेट को यहाँ कैसे लगाएं और कहाँ पे लगेगी। और चलो एक बार पहले एक काम करते हैं, अगले टायर खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर किस जगह पे इसको फिट कर सकते हैं हम डिस्क प्लेट को। नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर। आज हम अपनी गाड़ी में करने वाले हैं कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन। इवन काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था क्यों ना अपनी गाड़ी में कुछ स्पेशल जो आप लोगों को पसंद है वैसा कुछ मॉडिफिकेशन किया जाए। और फाइनली टाइम आ चुका है अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करने के लिए। और मेरे पास पीछे एक बॉक्स आप देख रहे होंगे, रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन पार्ट, तो मैं कुछ लेकर आया था दिल्ली गया था, और देखते हैं क्या है उसमें और क्या मैं अपनी गाड़ी में मॉडिफिकेशन करूँगा खास। तो ये मेरे पास एक काफ़ी बड़ा बॉक्स है रॉयल इनफील्ड के लिए, तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी के अंदर मैंने डिग्गी लगा रखी है पीछे बैकलाइट के लिए, जाली, इंडिकेटर, इस टाइप के काफ़ी आइटम लगा रखे थे। पर स्टैंडर्ड में एक चीज़ थी कि मेरा मन था कि यार इसके अंदर कुछ स्पेशल और यूनिक करा जाए जो लगे कि हाँ यार स्टैंडर्ड में ये करा जा सकता है और इसमें कितना खर्चा आएगा। तो चलिए बॉक्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, निकालो इसके अंदर से क्या है पिटारे में। ओके, ये है एक एडाप्टर, ठीक है इसको साइड में रख दो थोड़ा सा। ओके, तो लगता है ये मेरे ख्याल से जाना पहचाना सा लगता है। आप लोग बताइए ये क्या चीज़ है, क्या आपने अपनी गाड़ी के अंदर कहीं देखा है इसको? चलिए और दिखाइए, ये एक पैकेट है और इसके अंदर छोटे छोटे नट बोल्ट नज़र आ रहे हैं, और ये सब कुछ एक ही बॉक्स के अंदर है। और क्या है इसके अंदर खास? ये एक प्लेट। अब डिब्बा हो गया खाली, तो ये कुछ आइटम है। अब मैं बता देता हूँ सामान के आइटम के बारे में। ये हमारी है प्लेट जिसको बोलते हैं डिस्क प्लेट, ये है कैलिपर, ये इसका एडाप्टर, और ये ब्रेक देखा होगा आपने, ब्रेक असेंबली। तो कहा जाए तो पूरा डिस्क ब्रेक का आइटम है ये पूरा, और ये हम अपनी गाड़ी में डालने वाले हैं स्टैंडर्ड के अंदर, और ये पूरा जेन्युइन पार्ट है इसका को। तो अब हम देखेंगे कि ये डिस्क ब्रेक हमारी गाड़ी में लगेगा कैसे, कैसे ये फिट होगा यहाँ पर, और इसको मेरे ख्याल से निकालना पड़ेगा ना। कुछ करिए, कमेंट अमेंट तो करिए, बता तो दीजिए कैसे करना है, और ये नीचे कहाँ फिट होगा। इसको एक काम करते हैं इधर साइड फिट कर देते हैं, उधर साइड तो हर कोई फिट करता है, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, है ना, या जैसा वो ओरिजिनल दिखता है वैसा करें, कुछ अलग ही कर देते हैं अलग ही कर देते हैं ना। चलो देखते हैं, अब सबसे पहले इस नट को खोल लेते हैं, और इसके लिए कितने नंबर की एलन की लगती है? 6 नंबर की एलन की, क्योंकि लोगों को पता भी होना चाहिए। निकाल दो इसको। अब इसके बाद दूसरा काम क्या है, दूसरा खोलना है हमें ये स्विच, इसका एक पेच यहाँ है दूसरा पीछे, इन दोनों पेच को जल्दी से किया जाएगा ओपन। अब निकाल लेते हैं इसकी वायर, इसके बाद खोलना है इसका नट। इसके बाद इसको सीधे बाहर निकाल लो इस तरीके से, और तो अब हमारा यहाँ पे फिट होने वाला है मास्टर सिलेंडर, और वो रहेगा हमारा ये वाला।
और डायरेक्ट इसको फिट कर देना है इस तरीके से, हल्के से बोल्ट ढीले कर लेते हैं। अब ये तो पहुंच गया अंदर, अब कर दो इसको दोबारा टाइट, स्विच लगाओ इसके। चलो वो लगा देते हैं। तो यहाँ तक तो हो चुका है ये फिट, लग गया है हमारा, करेंगे ब्रेक काम। अब रह गया यहाँ का एक बैलेंसर लगाना, वो बैलेंसर कहाँ गया यहाँ का, और नीचे कैसे फिट होगा, बस नीचे और देखना है कि नीचे फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ तो तरीका होगा। चलो पहले इसी तरीके को देख लेते हैं कि यहाँ से देखने में तो लग रहा है कि अच्छा है। अब चलते हैं नीचे टायर की साइड में, टायर के पास कैसे फिट करेंगे इसको। अब बात आई है डिस्क प्लेट की, कि इस डिस्क प्लेट को यहाँ कैसे लगाएं और कहाँ पर लगेगी। और चलो एक बार पहले एक काम करते हैं, अगले टायर खोल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आखिर किस जगह पर इसको फिट कर सकते हैं हम डिस्क प्लेट को। चलो टायर निकालो, जिसके लिए ये नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे हमें लगता है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड मॉडल होता है उसके अंदर यहाँ पर हमें दो नट देखने के लिए मिलते हैं, उन दोनों नटों को खोलने के बाद टायर हमारा कुछ इस तरीके से बाहर निकल जाता है। पहले हमें इसके गुटके निकालने होते हैं दोनों साइड से, दोनों साइड में ऑलमोस्ट सेम होते हैं गुटके। उसके बाद गाड़ी को ऊपर उठाना है और टायर हमारा बाहर निकल जाएगा। अब रहा हमारा जो कैलीपर है, कैलीपर को कहाँ पर बिठाएंगे। अब ये कैलीपर हमारा इसमें आ जाएगा, नहीं नहीं आएगा ना, मेरे ख्याल से इसके टूल के अंदर तो मिल गया इसका सामान। एक बार देखो इसके अंदर है कुछ ऐसा, नीचे रख के दिखा दो। ओके, अब देखो एक बार उस पत्ती को उठा के कैसे फिट होगी अगर करेंगे तो हम उसमें कैलीपर को लगा के। लेकिन ये मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं होगा कि ये ऐसे आ जाए, देखो एक बार लगा के देखो, ये ऐसे सेट करके फिर उसके बाद कैलिपर कैसे आएगा। जो कैलिपर ये अंदर वाले बोल्ट है मेरे ख्याल से, उसमें तो नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। और ये किस, ये वाला बोल्ट किस चीज़ के लिए दिया हुआ। चलो अगर हमारा ये आला यहाँ आ जाएगा टाइट, और छोड़ो एक बार नीचे से, ये आला यहाँ लग जाएगा और बीच में कैलिपर लग जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों को भी तो अपना दिमाग लगाना चाहिए ये अच्छा। किस लिए है करके। चलो एक काम करते हैं, पहले मडगार्ड खोल देते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ पे आ गई है एक छोटी सी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस गाड़ी के अंदर इसमें फिट करनी है डिस्क प्लेट, अब वो थोड़ा सा हो जाएगा ट्रिफिकल टाइप का। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी गाड़ी के अंदर डाल दिए जाए अलाइबिल, और अलाइबिल कौन सी कंपनी के भैया, हम तो डालते हैं पराडो। इवन क्या आप यहाँ से देख सकते हैं पराडो। तो ये डिस्क प्लेट इसके अंदर आ जाएगी, और वो कैसे आएगी उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा इसका एक छोटा सा अडाप्टर, वो रहा ये वाला। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें हैं कि अभी इसमें फिट करते हैं आगे डिस्क ब्रेक, और अभी लगाना है हमें अपनी गाड़ी में अलाइबल डिस्क ब्रेक, एक छोटे मोटे से और कुछ काम करते थे वो काम कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि इस वीडियो में इतना खास कुछ है नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखिए ये प्लेट यहाँ पे लगा दे रही है, इस प्लेट के ऊपर इसको फिट कर देना है, ये फिट हो गया, और सिंपल टायर फिट कर देना है, तो ये इतना काम हो जाएगा। अगली वीडियो में इसको कंटिन्यू करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ अभी और रह गई है बाकी, फिर हम दिखाएंगे। है ऑटो हेडलाइट, मतलब आपने सुना होगा कि जो सुपर बाइक या सुपर कार होती हैं उसके अंदर ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन होती है और ऑफ हो जाती है, जो सुपर कार होती है, बाइक के अंदर शायद पता नहीं मेरे को, तो जैसे जैसे अंधेरे में गाड़ी जाती है तो लाइट ऑफ हो जाती है, और उजाले में आते ही, सॉरी गलत हो गया, जैसे हमारी गाड़ी अंधेरे में जाती है लाइट ऑन हो जाती है, और दिन के टाइम पर लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। तो वही एक छोटी सी डिवाइस है, इसका जल्दी वीडियो आने वाला है। अपनी गाड़ी में अलाइबल लग चुके हैं, और अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है,
और कितनी प्रॉब्लम आई है, अभी सारी चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।